फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल चौधरी और मैं मैथ्स टीचर हूँ आरसी क्लासेस में। तो आज जो इंडेफिनिट इंटीग्रल की फॉर्म डिस्कस कर रहे हैं वो है ई की पावर एक्स ब्रैकेट में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स को। इस पर बेस्ड मैंने कुछ क्वेश्चंस को चूज किया है। पहले उन क्वेश्चन को एक बार रीड कर दे रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो है एक्स ई की पावर एक्स वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। सेकेंड क्वेश्चन है इंटीग्रेट करना है एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू ई की पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन है इंटीग्रेट करना है ई की पावर टू एक्स ब्रैकेट साइन फोर एक्स माइनस टू अपॉन वन माइनस कॉस फोर एक्स डी एक्स। फोर्थ क्वेश्चन है लॉग एक्स अपॉन वन प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर टी एक्स। और फिफ्थ क्वेश्चन है इंटीग्रेट करना है ई की पावर टेन इनवर्स एक्स मल्टीप्लाइड किससे है वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर टी एक्स से। तो ये जो क्वेश्चन मैंने चूज किए हैं इसमें मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो फॉर्म है उसको मैं अच्छे से आपको उसके अरेंजमेंट्स को एक्सप्लेन कर दूँ। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चंस आते हैं इस फॉर्म पर तो आप उसे ईजिली कर पाए। अब देखिए ये फॉर्म जो है e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ये फॉर्म जो है बाय पार्ट्स की है। दो फंक्शंस होते हैं उसको इंटीग्रेट करते हैं, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, उसको इंटीग्रेट करने का रूल है। देखिए इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट आता है e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। एक बार इसको ये देखते हैं आता कैसे है। e की पावर x एफ एक्स लिख लीजिए प्लस e की पावर x एफ डैश एक्स लिख लीजिए और डी एक्स तो है ही, यहाँ पर डी एक्स है और यहाँ भी डी एक्स है। इसको कुछ मत करिए, एज इट इज छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर आइए e की पावर x एफ एक्स, e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एफ एक्स अदर देन एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा ना। तो बाय पार्ट्स लगाते वक्त फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा, प्रेफरेंस ऑर्डर तो हम आइलेट से लेंगे ना, तो फर्स्ट फंक्शन इसका एफ एक्स हो जाएगा। इंटीग्रल ऑफ e की पावर x डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटीग्रल e की पावर x डी एक्स होल का इंटीग्रल होगा डी एक्स। और ये जो लिखा हुआ है इसको हम एज इट इज छोड़ देते हैं e की पावर x एफ डैश एक्स डी एक्स। अब यहां देखो क्या होगा, एफ एक्स e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x ही रहेगा, d by dx of fx is f dash x, इसको डिफरेंशिएट किया e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x ही रहेगा dx प्लस ये वाला फंक्शन लिखा जाएगा। तो देखिए ये फंक्शन इससे कैंसिल आउट हो रहा है तो हमारे पास fx e की पावर x आ जाएगा प्लस c। तो यहाँ पर ये बताने के लिए ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रोसेस तो आपको सभी क्वेश्चंस में अप्लाई करना होगा। कौन सा, ये वाला e की पावर x एफ एक्स में बाईपार्ट्स लगाना। मेन क्या है कि आपको ये अरेंजमेंट तक पहुँचना है कि एफ एक्स क्या है और एफ डैश एक्स कितना है, इसी को आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये प्लस साइन जो है इस पर ध्यान देंगे। देखिए अब क्वेश्चंस पर आते हैं, इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट तो मैं पता ही चल गया। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वहां पर देखिए क्या लिखा है, x और 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ब्रैकेट है यहां पर e की पावर x बाहर है, मान लो ब्रैकेट के बाहर ही है। तो यहां पर साइन हमको कहीं प्लस का चाहिए, ऐसा कुछ चाहिए ना कि बीच में प्लस आए। तो हमने लिखा नीचे वाले फंक्शन को देखकर हमने अरेंज करना शुरू किया x प्लस वन, तो मैथमेटिकली में हर चीज बैलेंस होनी चाहिए ना। अब क्या किया, माइनस वन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर नीचे है और ये ब्रैकेट e की पावर x dx, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन में यहां पर साइन माइनस का है लेकिन ये फॉर्म कुछ दिखने लगी है, एफ एक्स और एफ डैश एक्स अभी क्लियर नहीं हो रहे, पर एक साइन यहां पर आने से तो कोई बात नहीं, यहां प्लस कर लो यहां माइनस वन कर दो, तो वो हमारी जो फॉर्म है ये फॉर्म यहां पर
आने लगी है। अब देखो इसको सेपरेट करना ही पड़ेगा, तो क्या आएगा 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब हम प्लस लिखते हैं, नहीं x प्लस 1 आएगा, सॉरी होल स्क्वायर क्यों आएगा, जब ये इसके नीचे जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर e की पावर x dx। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ऐसे लिख लो इसको। अब प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई, देखिए जरा ध्यान से, थोड़ा सा इसका भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि एफ एक्स क्या है और एफ डैश एक्स क्या है। ये क्या है एफ एक्स और ये क्या है एफ डैश एक्स। देखिए जब आप डिफरेंशिएट करेंगे किसको, एक्स प्लस वन की पावर माइनस वन को, तो कितना आएगा माइनस वन एक्स प्लस वन की पावर माइनस टू। इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, वन अपॉन एक्स प्लस वन ई की पावर एक्स प्लस सी। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको इसके पूरे स्टेप्स दिखाने पड़ेंगे। आप क्या करेंगे, ई की पावर एक्स और इसमें वन अपॉन एक्स प्लस वन में बाई पार्ट्स अप्लाई करेंगे, पर मैं आपको केवल अभी यहीं तक बता रहा हूं जो इसमें एफ एक्स और एफ डैश एक्स को आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि आगे का जो पार्ट है वो तो काफी इजी है। अब देखिए सेकंड प्रॉब्लम पर आते हैं, सेकंड प्रॉब्लम पर आते हैं। अब यहां पर जो लिखा हुआ है सेकंड में वो कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर ई की पावर एक्स डी एक्स। फिर से सोचिए कि एफ ऑफ एक्स प्लस आ जाए तो बहुत ही अच्छा है। तो यहां पर हम अलग अलग कर सकते हैं इसको, हमने लिखा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन होल स्क्वायर वन अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर ई की पावर एक्स डी एक्स। एफ एक्स एफ डैश एक्स कुछ ऐसा फॉर्म नहीं हो रहा। हमने क्या किया, इसको फर्दर अरेंज किया, एक्स स्क्वायर माइनस वन कर लिया, तो अब यहां पर प्लस वन करना पड़ेगा, एलसीएम तो सेम ही है, तो अब यहां पर टू कर लो। प्लस वन जो है ये देखो ये बैलेंस है ना, और उसके बाद अब ये सेपरेट तो कर ही चुके हैं इसको अलग अलग, यहां पर हो जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, यहां पर कितना आएगा ई की पावर एक्स डी एक्स। देखिए ये पूरी तरह से बैलेंस है इसमें, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बैलेंसिंग में। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वन को क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, तो एक्स प्लस वन इससे कैंसिल हो जाएगा इससे नीचे वाले से, तो एक्स माइनस वन ऊपर आएगा। इसको समझिए, एक्स स्क्वायर माइनस वन को लिखेंगे एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, तो नीचे एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है तो वो कैंसिल होगा ना एक्स प्लस वन ऊपर वाले से, तो क्या आएगा ऊपर x माइनस वन एक्स प्लस वन, और यहां कितना आएगा टू अपॉन x प्लस वन का होल स्क्वायर e की पावर x dx। अगर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस है डिफ्रेंसिएशन की तो ये आपको हाँ पता चलेगा कि अब इसी का डेरिवेटिव ये लिखा हुआ है। अब देखिए कैसे डेरिवेटिव के लिए इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं, वो यहां पहले से लिखा हुआ, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, फिर एक्स प्लस वन लिखेंगे, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव वन आ जाएगा, और अब एक्स माइनस वन को कांस्टेंट रखेंगे और एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव वन आ जाएगा। देखो ये एक्स और ये एक्स कैंसिल हो गया, ये माइनस और ये माइनस वन प्लस वन हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया, ये इसका डेरिवेटिव है, ये एफ एक्स है और ये एफ डैश एक्स है, तो e की पावर x तो बाहर ही, तो आंसर इसका क्या आएगा e की पावर x x माइनस वन एक्स प्लस वन प्लस सी। एग्जाम में क्या करेंगे पूरा करके दिखाएंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट है,
ये बिल्कुल भी इस फॉर्म पर नहीं है, log x 1 प्लस log x होल स्क्वायर dx। एक चांस होता है कि यहाँ पर बेस e लिख कर आए, अगर कुछ नहीं लिखा है तो बेस e अपने आप अंडरस्टूड कर लेना, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा डेरिवेटिव log x का बेस e पर 1 बाई एक्स होता है। अब देखिए हमने क्या किया, log x बेस e पर जो है उसको हमने t मान लिया। अब जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 अपॉन x dx इज कितना dt। तो dx क्या आ गया, x dt। यहां पर देखिए x की वैल्यू क्या है, अगर log x बेस e अगर t है तो x की वैल्यू होगी e की पावर t, याद रखना। log x बेस e अगर t है तो x की वैल्यू e की पावर t होगी। तो यहां से dx आ गया e की पावर t dt। ये क्वेश्चन कैसा फॉर्म है, हिडन फॉर्म में है, f of e की पावर x fx plus f dash x डायरेक्ट नहीं है। अब देखो यहां पर क्या हो गया, t और यहां पर 1 plus t होल स्क्वायर dx की जगह पर e की पावर t dt। बिल्कुल कौन सा क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेम हो गया, सेम बिल्कुल वही क्वेश्चन आ गया, पर करना क्या पड़ा इसमें, log x बेस e को t सब्स्टिट्यूट करना पड़ा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा इस क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, अच्छा पहले ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है और आसान भी, इसमें e की पावर tan इनवर्स x है ऐसा समझिए, तो e की पावर tan इनवर्स x को t नहीं मानना है, tan इनवर्स x को t सपोज करना है। ये भी डायरेक्ट नहीं दिख रहा है कि कौन सी फॉर्म का है, पर ये इतना तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर tan इनवर्स x को t मानेंगे और इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या हो जाएगा, dt के बराबर। तो ये जो चीज है ये किसके बराबर हो गई, dt, और ऊपर क्या आ गया, e की पावर t, सबको t में कन्वर्ट करो कितना आ जाएगा, 1 प्लस x की जगह पर tan t और x स्क्वायर की जगह पर tan स्क्वायर t, ठीक है। अब यहां तीन फंक्शंस दिख रहे हैं, e की पावर t तो ठीक है, एफ टी और एफ डैश टी क्या है ये थोड़ा सा, पर sec स्क्वायर हमें मालूम है 1 प्लस tan स्क्वायर टी क्या होता है, sec स्क्वायर टी, तो हमने tan टी लिखा, sec स्क्वायर टी लिखा, e की पावर टी है और यहां dt, प्रॉब्लम सॉल्व। इसका डेरिवेटिव ये है, tan टी का डेरिवेटिव क्या होगा, sec स्क्वायर टी, आंसर क्या आएगा इसका, e की पावर टी tan टी प्लस सी, और बाद में टी को tan इनवर्स एक्स रख दिया जाएगा फंक्शन में, इतना सही है इसमें। अब देखिए नेक्स्ट, ये दोनों क्वेश्चंस कह सकते हैं फोर्थ और फिफ्थ डायरेक्ट क्वेश्चन इस फॉर्म पर नहीं है, सब्स्टिट्यूशन के बाद इसी फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। अब थर्ड देखिए, यहां पर थोड़ी हमें स्पेस की शायद जरूरत पड़े, e की पावर 2x है साइन 4x माइनस 2 1 माइनस कॉस 4x है। तो पहली बात तो यह कि जो फॉर्मूला लिखा है वो e की पावर x के लिए लिखा हुआ है और यहां पर e की पावर 2x है। ये कुछ अरेंजमेंट तो समझ में आ रहा है कि ये ऐसा कर रहा जाए कि साइन 4x अपॉन 1 माइनस कॉस 4x लिखा जाए, 2 अपॉन 1 माइनस कॉस 4x कर दिया जाए, और यहां पर e की पावर 2x है यहां dx है। ये पहला स्टेप तो ठीक है लेकिन अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 2x को t मान लेंगे, 2x को हमने t मान लिया, तो क्या आएगा, dx 2dx इज dt, तो dx इज dt by 2। अब यहां पर क्या आ गया, e की पावर t, ये साइन क्या हो गया, 2x अगर t है तो 4x क्या होगा, 2t, 1 माइनस कॉस ये क्या हो जाएगा, 2t, 2 अपॉन हमने 2x को माना है t, 2x को माना है t, 2x इज t,
तो डी एक्स क्या आ गया, डी टी बाई टू। अब यहां क्या आ गया, टू अपॉन वन माइनस कॉस टू टी, और डी एक्स तो डी टी बाई टू है। फिर से देखो, जहां पर कॉस फोर एक्स है उसकी जगह पर अब क्या आएगा, टू एक्स तो टी हो गया, तो कॉस टू टी आ गया। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं, साइन टू एक्स साइन टू टी को क्या लिख सकते हैं, टू साइन टी कॉस टी। अब देखिए नीचे क्या है, वन माइनस कॉस टू टी, ऐसा एक्सप्रेशन कॉस का क्या लिखें जिससे ये वन कैंसिल हो जाए, वन माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर टी, ठीक है। और जो यहां लिखा है वो यहां लिख दिया जाए, वन माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर टी, और वहां पर डी टी बाई टू नहीं लिख रहे हैं, चलो भाई लिख देते हैं डी टी बाई टू, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा, e की पावर t, वन वन कैंसिल, टू से टू कैंसिल, साइन t से साइन t कैंसिल, cos t अपॉन साइन t इज cot t। यहां आ जाओ, देखो टू से वन कैंसिल, टू से टू कैंसिल, ऊपर जाएगा ये, तो वन अपॉन साइन स्क्वायर t क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर t dt, और यहां वन बाई टू कर लो। तो cot t का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर टी। तो बस इसका आंसर आ गया, e की पावर टी कॉट टी वन बाई टू प्लस सी, और बाद में टी को रिप्लेस कर देंगे किससे, टू एक्स से। तो ये भी इस कैटेगरी के प्रॉब्लम भी यहां पर मैंने कवर कर दिया आपके। एक क्वेश्चन और आता है, देखिए इस टाइप से होता है, इसी फॉर्म को बता रहा हूं, इसे लिखा होगा टेन log x बेस e, कई बार बेस नहीं देंगे, प्लस sec स्क्वायर ब्रैकेट में log x बेस e और dx, ठीक है ना। ये भी इसी कैटेगरी का क्वेश्चन है, इसमें आप log x को t मान लेना, और अभी मैंने आपको बताया है log x को क्या मानेंगे, log x बेस e को t, तो dx ये 1 by x आएगा ना उधर, देखो ये ऐसा आएगा 1 बाई एक्स डी एक्स डी टी, और x की वैल्यू e की पावर t होगी, तो ये पूरा एक्सप्रेशन हो जाएगा tan t प्लस sec स्क्वायर t, और डी एक्स क्या होगा, e की पावर t डी टी। अब तो बहुत आसान हो गया, tan x का डेरिवेटिव दिया हुआ है। तो इस फॉर्म पर थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए, अरेंजमेंट में आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब